बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आवर लेक्चर इज लेक्चर नंबर 25 एंड आवर डायरी इज वर्कबुक पेज नंबर 4 to 7। जवीन हम लोग कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, यूनिट नंबर 1 द ह्यूमन बॉडी। सो स्टार्ट करते हैं। ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 4। चूज द करेक्ट आंसर। विच ऑर्गन कंट्रोल्स ऑल द सिस्टम्स एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी। कौन सा ऐसा हमारा ऑर्गन है बॉडी का जो कि हमारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है? नोज, ब्रेन, हार्ट और स्किन। तो ब्रेन जो है वो कंट्रोल सेंटर है हमारी पूरी बॉडी का। विच टू सेंस ऑर्गन्स डू वी यूज व्हेन वी क्रॉस अ रोड? आइज, टंग, ईयर्स और नोज था। यहाँ पर आप लोगों ने नोज को कट कर ए और सी बोथ लिख देना है, क्योंकि आप लोग अपनी आइज और ईयर्स जो है दोनों के साथ आप लोग सुनते भी हैं कि आवाज़ किस तरफ से आ रही है, और आँखों से देख कर फिर आप लोग अपना रोड जो है वो क्रॉस करते हैं। विच वेस्ट प्रोडक्ट डज द स्किन गेट रिड ऑफ? ब्लड, स्वेट, टीयर्स और यूरिन। तो आप लोगों को पता है स्किन किससे गेट रिड ऑफ होती है? स्वेट से, पसीने से। तो इसलिए आप लोगों ने इसको टिक करना है। विच ऑर्गन टेल अस व्हाट वी आर सीइंग? कौन सा जो है हमारी बॉडी का जो ऑर्गन है वो हमें ये बताता है कि हम क्या देख रहे हैं? नोज, ईयर, ब्रेन और लिवर। तो ब्रेन जो है, जबकि ब्रेन हमारा कंट्रोल सेंटर है पूरी बॉडी का, तो ब्रेन ही हम लोग को बताता है कि हम लोग क्या देख रहे हैं। व्हाट डज द ब्लड ट्रैवल इन टू मूव अराउंड द बॉडी? ब्लड जो है वो किस में ट्रैवल करता है बॉडी में मूव करने के लिए? लंग्स, वेन्स एंड आर्टरीज, मसल्स एंड स्किन्स, ब्रेन। सो वेन्स और आर्टरीज जो है वो हार्ट से जो है ब्लड लेकर जाती हैं और उसको फिर पूरी बॉडी में उसकी सप्लाई करती हैं। लेबल द सिस्टम एंड इट्स ऑर्गन्स। ये देखें, यहाँ पे ये सिस्टम दे दिए गए, इसको हम लोगों ने लेबल करना है। ये माउथ है। जब हम लोग रीडिंग कर रहे थे तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि माउथ से हम लोग फूड एंटर करते हैं, तो फूड पाइप के थ्रू जो है वो हमारे लीवर में और देन स्टमक में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये देखें, ये क्या है? ये है फूड पाइप। उसके बाद ये क्या है? ये स्टमक है और ये लीवर है। स्मॉल इंटेस्टाइन ये है, और ये कौन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। और ये किस चीज़ की हमारे पास डायग्राम है? द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की ये डायग्राम है जिसको हम लोगों ने अभी लेबल किया। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट एम आई, कि मैं क्या हूँ। व्हेन यू ईट आई मिक्स योर फूड एंड डाइजेस्ट, व्हाट एम आई। अब क्या कह रहे हैं कि जब आप लोग खाते हैं तो मैं आपका जो फूड है उसको मिक्स करता हूँ और डाइजेस्ट कर देता हूँ। मैं कौन हूँ? अब हमने बताना है स्टमक। सो स्टमक है जो कि हमारे फूड को मिक्स करता है और बाद में डाइजेस्ट कर देता है। आई कंट्रोल ऑल द बॉडी पार्ट्स, वट एम आई। अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं तमाम जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको कंट्रोल करता हूँ। तो अब ये कौन सी चीज़ है? ब्रेन। ब्रेन जो है वो हमारे तमाम बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। आई मेक द स्ट्रक्चर ऑफ योर बॉडी एंड गिव इट अ शेप, वट एम आई। अब वो कह रहे हैं कि मैं आपके जो बॉडी है उसको मैं शेप देता हूँ एक प्रॉपर, तो मैं कौन हूँ? अब स्केलेटन। स्केलेटन जो है वो इसको एक प्रॉपर शेप देता है। वी आर इन पेयर एंड हेल्प यू इन ब्रीथिंग। हम मतलब ये पेयर्स में होते हैं। वट एम आई, अब वो क्या पूछ रहे हैं कि मैं क्या हूँ? सो इट्स आंसर इज लंग्स। लंग्स जो हैं ये पेयर की फॉर्म में होते हैं जो कि हम लोग को ब्रीथिंग में हेल्प देते हैं। ओरल एक्टिविटीज़ हैं ये। एक्टिविटी नंबर 1 है लुक इन टू द आई ऑफ अ फ्रेंड, स्टडी द। अब देखें, आप लोग घर में हैं तो आप लोगों ने ये एक्टिविटी जो है अपनी किसी भी सिबलिंग के साथ यानी अपनी किसी भी बहन भाई के साथ आप लोग ये एक्टिविटी कर सकते हैं। स्टडी द पीपल, द ब्लैक सर्कल इन द सेंटर ऑफ द आई केयरफुली, देन अलाउ मोर लाइट इन टू द रूम, सी वट हैपन्स टू द पीपल। सो ये आप लोगों ने एक्टिविटी करनी है अपने किसी भी भाई के साथ या अपनी बहन के साथ जो है आप लोगों ने इस एक्टिविटी को करना है कि आप लोगों ने उसको अपने सामने खड़ा कर लेना है और फिर उसके बाद आप लोगों ने उसकी आंखों में देखना है और आप लोगों ने देखना है कि वो जो ब्लैक कलर का सर्कल होता है, जो प्यूपल होता है हमारी आई का, उसके अंदर आप लोगों को क्या नज़र आता है। लुक इन अ मिरर, से ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, कैन यू से द लेटर्स टी डी सी जी जे आई एन एंड अदर्स विदाउट मूविंग योर टंग। अब क्या कह रहे हैं कि आप लोगों ने मिरर के सामने खड़े हो जाना है और ये जो लेटर्स हैं टी डी सी जी जे आई एन, क्या इनको आप अपनी ज़ुबान हिलाए बगैर पढ़ सकते हैं? ये आप लोगों ने देख लेना है। मैच ईच बॉडी पार्ट टू द करेक्ट सिस्टम। अब ये देखें, ये बॉडी पार्ट दे दिए गए हैं, यहाँ से आप लोगों ने इनको मैच करना है। मसल्स, अब देखें फर्स्ट वन कौन सा है? मसल्स है, तो इसको हम लोग इसके सिस्टम से मैच करते हैं। मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम जो होते हैं ना, मसल बोन्स हैं तो ये कौन सा हो जाएगा? स्केलेटल सिस्टम। आर्टरीज हैं तो ये हो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम। नर्वस है तो ये हो जाएगा नर्वस सिस्टम। स्टमक है तो ये क्या हो जाएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम।
सो थ्री क्लास ये था आज का आपका लेक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।